अच्छा ये मसाला कितना एक का बना हुआ है? चार एक का। चार एक का बना हुआ है। चार एक का मसाला आप लोग बिहार में देखे होंगे, पूरा ऐसा ही नहीं गिरता। चार एक का मसाला और ये देखिए चावल की तरह छीटा जा रहा है। पानी मरेगा तो कहां जाएगा? पानी मार के देखिए पूरा व्हाइट हो जाएगा। पैदल नहीं भाई, पानी मार के देखिए पूरा व्हाइट हो जाएगा। क्या बात करते हैं, पानी मार के देखिए वो छत जो है बंद करके लप गया था, और छत लपने के कारण उसको तोड़ करके पलस्तारा में मेकअप किया जा रहा है। क्या ये हकीकत है ना मिस्त्री जी? ये हकीकत है ना, ये छत लपा हुआ है। जो मसाला बनाए हैं उनको बुलाइए। आओ इधर फोटो, इधर आओ। अच्छे से खड़ा हो जाओ। हाँ, ये मसाला क्या एक के बना हुआ है? देखिए बारह आप बोल रहे हैं, चार एक के बोल रहे हैं ना, लेकिन आपका जो काम करने वाला व्यक्ति है वो बारह एक के बारह में डाला ही है। ये अभी देखिए छीटा रहा है गुंजा की तरह। कौन है ठेकेदार जी? कहाँ की इंजीनियर आवेगा? कहाँ की इंजीनियर आवेगा? बच्चा के भविष्य से खिलवाड़ करना बहुत गलत बात है। दस ग्यारह तक होगा। जब मसाला बन रहा था आप कहाँ थे? हमें भाड़ा लगा था सर, भाड़ा टूट चुका था। तो आपको जानकारी नहीं है तो आप साइड रहिए। आपको जानकारी नहीं तो आप साइड रहिए। आप नीचे रहिए, कैमरा मैन वहां रहिए। आप अभी हम दिखाते हैं। देखिए ये रेड दिख रहा, ये रेड दिख रहा, ये रेड पानी खा रहा। क्यों ये रेड दिख रहा? इसमें ग्राइंडर मशीन नहीं मारा गया। अगर इसको ग्राइंडिंग मार करके बैठाया जाता तो ये जो सब दिख रहा है, देखिए देखिए छड़ी छूट रहा इसे। देखिए आपको बता रहे हैं कि ये सब छूट रहा है, ये कैसा बनाया गया? देखिए ये है ढलैया, थोड़ा सा वीडियो को अच्छा से बनाइएगा। ये है ढलैया। तो बच्चे लोग को भविष्य के साथ जो खेला जा रहा है, अगर ये स्कूलवा गिर जाएगा तो कितना बच्चा मरेगा, इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? साथियों नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है डिस्ट्रिक्ट न्यूज बिहार। मेरे पीछे आप एक बिल्डिंग दिख रहा होगा, कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा सा दिखाइए घुमा करके इस बिल्डिंग को। ये स्कूल बन रहा है जो बोधगया प्रखंड में हथियार गांव पड़ता है। ये वार्ड नंबर 33 है, नगर परिषद के अंतर्गत आता है। हमें खबर मिली है कि इसमें कुछ भ्रष्टाचारी किया जा रहा है, काम सही ढंग से नहीं किया जा रहा है, मटेरियल बहुत कम मात्रा में दिया जा रहा है। क्या है सच्चाई हम जानने का प्रयास करेंगे, और यहाँ के लोग जो काम कर रहे हैं उन लोग से भी हम जानने का प्रयास करेंगे। आप वीडियो में बने रहिए और हम दिखाने का प्रयास करेंगे कि यहाँ क्या चीज हुआ है, क्या भ्रष्टाचार है। लोगों को कहना है कि इसमें बहुत प्रकार का छली किया जा रहा है, हम जानना चाहेंगे, हम जांच करते हुए चलेंगे। देखिए इसमें कुछ सीमेंट बालू है जो छूटता है, ये कहीं ना कहीं मटेरियल का कुछ न कुछ कमी है। लेकिन आगे आइए मेरे साथ, जो हमें खबर मिली क्या सच्चाई है इसकी तह तक अगर इसकी तह तक नहीं जाएंगे तो कहीं ना कहीं हम लोग घाटे में चल जाएंगे। और ये स्कूल बन रहा है, अगर स्कूल बन रहा है देखिए इसमें मसाला कभी कभी छूटता है, इसमें मटेरियल का कमी है। हालांकि जो हमें खबर मिली है कहाँ मसाला बना हुआ था? नीचे बना हुआ था ना, नीचे बना हुआ था। और आप लोग वीडियो में बने रहिए, अभी दिखाते हैं। ये बहुत बड़ी बिल्डिंग बन रहा है और यहाँ के ठेकेदार शायद इस जगह पे उपस्थित नहीं है। देखिए इसमें मटेरियल कम डाला हुआ है, जूम करके दिखाएंगे नजदीक करके तो आपको पता ही चल जाएगा कि इसमें कितना मटेरियल डाला हुआ है। और ये दीवार को देखिए आप, ये दीवार को देखिए। बिहार में पुल जो गिरता है, क्या कारण है जो पुल गिरता है? पुल गिरने का कारण है कि लोग मटेरियल कम डालते हैं। इसमें सब कुछ किया हुआ है, मशीन भी मारा हुआ है जिससे ग्राइंडिंग किया हुआ है, मसाला सही से बैठा हुआ, लेकिन इसमें मटेरियल कम दिया हुआ है। ये सिर्फ बालू नजर आ रहा है हमको, ये सीमेंट नजर नहीं आ रहा। तो वीडियो में बने रहिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये बच्चे का भविष्य का सवाल है। अगर पुल गिरता है तो ज्यादा लोग नहीं मरते हैं, लेकिन अगर स्कूल गिर जाता है तो सभी बच्चे लोग को दबने का चांसेस है। देखिए इसमें बालू छूटता है, देखिए ये छूटता है मिस्त्री जी, आप हैं, आप गौर से देख सकते हैं इसमें मटेरियल का कंपाई किया गया है या नहीं किया गया। बाकी मसाला बना हुआ है कहाँ, आप मेरे साथ आइए और आपको हम बताते हैं। ये देखिए सीमेंट रखा हुआ है और ये है मसाला, इससे अभी हो रहा है प्लास्टर, है ना? दिखाएंगे थोड़ा सा अच्छा सा जूम करके, मिस्त्री जी को बुलाएंगे। कौन है आप हैं? देखिए इक्का एक के मसाला बना हुआ, चार एक का मसाला तो बता रहे हैं, चार एक का मसाला ही नहीं है ये मसाला साथियों, ये मसाला बारह एक के है। अब अगर नहीं तो हम इसका सबूत देने के लिए तैयार हैं। और ठेकेदार साहब तो यहाँ नहीं है, ठेकेदार रहते तो हम बात करते। अच्छा ये मसाला कितना एक का बना हुआ है? चार एक का। चार एक का बना हुआ है। चार एक का मसाला आप लोग बिहार में देखे होंगे, पूरा ऐसा ही नहीं गिरता। चार एक का मसाला और ये देखिए चावल की तरह छीटा जा रहा है। पानी मरेगा तो कहां जाएगा? पानी मार के देखिए पूरा व्हाइट हो जाएगा। पैदल नहीं भाई, पानी मार के देखिए पूरा व्हाइट हो जाएगा। क्या बात करते हैं, पानी मार के देखिए। बलिंदर सर देखिए पानी मारा हुआ है। आप जो लेबर बनाया उसको बुलाइए, देखिए उससे पूछिए कितना है। इस पर पानी मार के देखिए तो नहीं, अभी भी पानी मारा हुआ है ना जी। देखिए पानी मारा, पानी मारा हुआ है ना, देखिए पानी व्हाइट है। अच्छा
ये बताइए कि ये हकीकत बताइए कि कितना एक का मसाला ये बनाया होगा। हमने चार एक का बोला है, चार एक नापा, उसमें विशेष कर दिया, उसका हमने ध्यान नहीं। अच्छा ध्यान नहीं किया, जोड़ैया के लिए है कि प्लास्टर के लिए? जा रहा है, जो गड्ढा उठा उसको भरने के लिए। कहाँ का कहाँ है थोड़ा सा देखेंगे, दीवार आइए इससे पूछोगे कितना में बनाया। हम जानने का प्रयास करेंगे बलिंदर सर। हाँ हम जानने का प्रयास करेंगे, आप लोग काम कर रहे हैं साथ में, आप लोग दिक्कत नहीं करेंगे, लेकिन हम जान बताएंगे। अच्छा ये हाथ टूट रहा है, थोड़ा सा दिखाइए ऊपर, कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा सा अच्छा से दिखाइए। वो छत जो है बंद करके लप गया और छत लपने के कारण उसको तोड़ करके पलस्तारा में मेकअप किया जा रहा है। क्या ये हकीकत है ना मिस्त्री जी? ये हकीकत है ना, ये छत लपा हुआ है और इसको तोड़ करके मेकअप किया जा रहा है। देखिए लोग कहीं कहीं पलस्तारा मार रहे हैं तो वो भी गिर जा रहा है। हालांकि आप लोग कह रहे हैं कि चार एक के मसाला गिरता ही है, चार एक के मसाला जो होता है। बताइएगा कौन उसका इंजीनियर है दिया है आपको कि चार एक के मसाला में? इधर आइए, इधर आइए भैया, इधर आइए। ये चार एक के मसाला है और ये भुंदा की तरह छिटा रहा। यहाँ और भी लेबर लोग हैं, थोड़ा सा इधर इधर आओ, छोटे इधर आओ, कुछ बातें पूछना है। टेंशन नहीं, आप लोग को टेंशन नहीं लेना, आप लोग तो काम करने वाले हैं, आप लोग को जो कहा जाएगा वही आप लोग कीजिए। हम तो खेलने आए हैं। अच्छा आप खेलने आए, यहाँ कौन लोग कौन कौन लोग काम करते हैं? तो ये मसाला और मिस्त्री कौन बनाइए? जो मसाला बनाए हैं उनको बुलाइए, आओ इधर छोटू, इधर आओ। हाँ ये मसाला क्या एक के बना हुआ है? देखिए बारह आप बोल रहे हैं चार एक के, चार एक बोल रहे हैं ना, लेकिन आपका जो काम करने वाला व्यक्ति है वो बारह एक के, ठीक है? अच्छा अभी रिपीट जी जी सुनिए ना, सुनिए अभी सुनिए, रिपीट रिपीट। आप ये बारह एक के मसाला बना रहे हैं, बारह एक के आपको मसाला बनाने के लिए कहा गया है या फिर आप अपने मन से बना रहे हैं? पहला स्टार्टिंग है तो इसमें हेड लीडर कौन है जी? हेड लीडर कौन है? इसको जांच क्यों नहीं किया गया? अब अगर कैमरामैन थोड़ा सा दिखाइएगा इधर, अगर जांच नहीं किया। हाँ बाकी तो बारह बोल ही दिया, कैसे बारह में एक बोला? बारह में डाला ही है, अभी देखिए छिटा रहा है भुंजा की तरफ। कौन है ठेकेदार जी? कहाँ की इंजीनियर आवेगा? कहाँ की इंजीनियर आवेगा? बच्चा के भविष्य से खिलवाड़ करना बहुत गलत बात है। हालांकि इन लोग तो काम करने वाले व्यक्ति हैं, काम कर रहा है, मान लिया जाए कि इसको जो कहा जाएगा वही ये व्यक्ति करेगा। इसको कहा गया और यही जानकारी हमें भी मिला है कि बारह एक के मसाला बनाया जा रहा है। एक बोरी डाला गया, एक बोरी सीमेंट डाला है, दस ग्यारह टप होगा, दस ग्यारह टप होगा। आप दस ग्यारह बोल रहे हैं, इधर आइए आप। दस ग्यारह टप होगा, जब मसाला बन रहा था आप कहाँ थे? हम लोग भाड़ा लगा रहे थे सर, भाड़ा टूट चुका था। तो आपको जानकारी नहीं है तो आप साइड रहिए, आपको जानकारी नहीं तो आप साइड रहिए। बारह एक का मसाला बन रहा है, बारह एक बन रहा है। अच्छा आपको कहा गया है बनाने के लिए कि आप अपने मन से बना रहे? अपने मन से ये बना रहा है, इसकी जानकारी नहीं है। कौन इसका मुंशी है? अगर मान लिया जाए बारह एक बन रहा है, बिहार में इतना पुल ढा जा रहा है, रातों रात पुल गायब हो जा रहा है, कौन इसका जिम्मा लेगा? इतना बड़ा ही बन रहा है बिल्डिंग, हजारों बच्चा इसमें पढ़ेंगे, पढ़ते पढ़ते अगर बिल्डिंग गिर गया इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? कौन है यहाँ के ठेकेदार? ठेकेदार कहाँ है जी? आपका ठेकेदार कहाँ है? ठीक है इधर आइए थोड़ा सा। आपका ठेकेदार क्या नाम? अजीत कुमार। अजीत कुमार नाम है। तो ठेकेदार यहाँ नहीं रहते हैं? नहीं यहाँ नहीं रहते। अच्छा अभी तक जो बिल्डिंग बना है तो जांच करने के लिए कभी इंजीनियर आए हैं? छोटे इंजीनियर आए, इंजीनियर आए। अच्छा अच्छा सारा पदाधिकारी आते हैं, एक घंटा पहले पदाधिकारी आके गए। पदाधिकारी आते भी है फिर भी यहाँ हमें लगता है ये भ्रष्टाचार हो रहा है। अभी बगले में हम बता रहे हैं साथियों के एक पुल बना है, यहीं पर एक पुल बना है, लगभग छह महीना भी नहीं बीता और वो भी पुल धंसने वाला है। अगर कस के बारिश हो जाए तो वो भी पुल धंस जाएगा। तो ये बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, हमें लगता है कि ये बच्चे को भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अगर इसको जांच नहीं किया गया, अगर सही से इंजीनियर के ला करके इसको जांच नहीं कराया गया तो ये बिल्डिंग कभी भी गिर सकता है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार बिहार में कई पुल गिर चुके हैं। और हम आपको बताएंगे। अच्छा इधर आओ छोटे, थोड़ा सा इधर आओ। ये पलस्तारा के लिए बना है कि जोड़ैया के लिए? पलस्तारा के लिए, पलस्तारा के लिए। आम लोग जो मकान बनाते हैं गांव में वो पांच टप बालू में एक टप सीमेंट देते हैं। इनके कथनी के अनुसार, अब इसके कहने के अनुसार, बारह टप में अगर एक टप सीमेंट दिया जाए, बारह टप में एक बोरा गया, कहा एक बोरा? एक बोरा दिया, एक बोरा भुंजा नहीं है जो छिटा रहा, जो डाला उसी से यही एक बोरा, कहा एक बोरा? पूछे ना, एक छिटा रहा है। आप दिखाइए थोड़ा सा, जूम करके दिखाइए। ये मसाला सीमेंट का असर हो जाए तो पूरा बालू है, सीमेंट का असर हो जाए सुखा हुआ है। बताइए क्या ये तो भ्रष्टाचारी हो रहा है।
साथ ही में और भी हमारे साथ लोग हैं, यहाँ के लोग सुधारने का प्रयास करेंगे। अच्छा भैया, आपको हम ज्यादा लोड नहीं दे रहे हैं, लेकिन ये हम पूछना चाह रहे हैं कि मान लिया जाए कि स्कूल बन गया, स्कूल बनने के बाद बच्चे लोग पढ़ने भी आ गए, ठीक है, और बच्चे लोग पढ़ने आए स्कूल वह जीत जाता, इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? बात सही है ना, इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? माय बाप है, बताइए। उस सब बच्चे का तो भविष्य खत्म, माता पिता हाय हाय करते रह जाएगा। तो साथियों, इस प्रकार से यहाँ भ्रष्टाचार किया जा रहा है, और भी हम बताते हैं जो कैसे भ्रष्टाचार होता है। थोड़ा सा आइए, आप लोग भी आइए साथियों, आप लोग भी आइए, दिखाते हैं कि ये ठेकेदार के हम लोग विरोधी, ठेकेदार के विरोधी बिल्कुल नहीं, लेकिन हमें कहने का मतलब है आप बिल्डिंग का निर्माण करा रहे हैं तो बिल्डिंग को सही से बनाइए, अगर बिल्डिंग को सही से नहीं बनाइएगा तो कैसे होगा। इसमें देखिए, आप नीचे रहिए, कैमरा मैन वहां रहिए, आप अभी हम दिखाते हैं। देखिए, ये रड दिख रहा, ये रड दिख रहा, ये रड पानी खा रहा, क्यों ये रड दिख रहा? इसमें ग्राइंडर मशीन नहीं मारा गया, अगर इसको ग्राइंडिंग मार करके बैठाया जाता तो ये जो सब दिख रहा, देखिए देखिए छड़ी छूट रहा, इसे देखिए, आपको बता रहे हैं कि ये सब छूट रहा, ये कैसा बनाया गया? देखिए, ये है ढलैया, थोड़ा सा वीडियो को अच्छा से बनाइएगा, ये है ढलैया। तो बच्चे लोग को भविष्य के साथ जो खेला जा रहा है, अगर ये स्कूलवा गिर जाएगा तो कितना बच्चा मरेगा, इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? और यही के कारण कोई मीडिया वाला जब लापरवाही करता है, कोई इसको देख रेख करने वाला नहीं होता है, तो ऐसे ऐसे कार्य होते हैं, और जब बिल्डिंग गिर जाएगा तब समझिए कि क्या होने वाला है। तो साथियों, बहुत कुछ और है जो वीडियो में आप लोग देखिएगा। बाकी नमस्कार, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और एक बार फिर से बताइएगा मिस्त्री जी, आप यहाँ का, हमें लगता है कि आप हेड हैं, हम तो आपका जो ठेकेदार साहब है, कितने दिन पर आते हैं यहाँ? चार दिन पर आते हैं तो देखते नहीं है क्या मटेरियल डाल रहे हैं, क्या मटेरियल नहीं डाल रहे हैं, सारा चीज देखते हैं। देखते हैं तो फिर ये छरिया क्यों छूट रहा है, ढलाई क्यों छूट रहा है? छरी साइड का है, साइड में ऐसे छूट रहा है। हाँ, साइड में, बीच में कहीं साइड के, अगर छरी होता, कैमरा मैन थोड़ा सा दिखाइएगा इधर, साइड का अगर छरी होता तो ये छड़वा हटाने के बाद दिखता, नहीं दिखता तो ये साइड का छरी नहीं है। दूसरी बात, साइड में मशीन नहीं, दूसरी बात, इसमें ग्राइंडर मशीन नहीं मारा गया है, इसलिए नहीं मारा है लोग कि अगर ग्राइंडिंग मशीन मार देंगे तो इसमें माल ज्यादा ले लेगा, तो इसमें माल बचाने के लिए इसमें वाइब्रेटिंग मशीन जो होता है वो नहीं मारा गया, इसलिए ये सब जो है, ये सब जो छूट रहा है, ये सब जो आपको हम दिखाए हुए किए, ये सब छूट रहा। बाकी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा, और इतना शेयर कीजिएगा कि बिहार सरकार तक ये वीडियो पहुंच सके, ताकि इस पर कार्रवाई हो सके। हम नहीं कहते हैं कि इसमें इंजीनियर घुसखोर है, या ठेकेदार घुसखोर है, या मंत्री विधायक जो भी इसको सेशन किए हैं, इस फंड को, वो घुसखोर है, हम नहीं कहते हैं, लेकिन बात यह है कि ऐसे कामों के ऊपर जांच होनी चाहिए। बाकी नमस्कार, फिर मिलूंगा किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।